सेमीफाइनल मुकाबले से पहले कोहली बोले, हमें ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नमस्कार, भारत ने लीड्स के हेड इंग्ले में खेले गए अपने अंतिम लीग मुकाबले में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत की। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी, इस लिहाज से इस मैच का नतीजा अंतिम चार के लिए तो मायने नहीं रखता था। पहले बल्लेबाजी करते श्रीलंका ने 7 विकेट पर 264 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 43.3 ओवर में 3 विकेट पर 265 रन बनाकर मैच जीत लिया। मैच के बाद कप्तान कोहली ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो हमें सेमीफाइनल से पहले इस तरह की स्कोर लाइन की उम्मीद नहीं थी। हम अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन 7-1 की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। भारत के लिए एक साथ इस तरह खेलना गर्व की बात है। कमोबेश सेमीफाइनल के लिए सब कुछ तय हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि टीम में जितनी लचीलापन हो उतनी ही जल्दी वो किसी मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है। भारत का सेमीफाइनल तक का सफर शानदार रहा है और इस दौरान उसे केवल इंग्लैंड के खिलाफ पर जाए का मुंह देखना पड़ा। कुल मिलाकर 9 मुकाबले में उसे 7 में जीत हासिल हुई, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश के कारण मैच नहीं हो सका और दोनों टीमों ने 1-1 अंक बांट लिया था। सेमीफाइनल में भारत टीम इंग्लैंड या न्यूजीलैंड किसे भिड़ना पसंद करेगी, इस सवाल के जवाब में कप्तान कोहली ने कहा कि वो इस बारे में नहीं सोचते कि विपक्ष में कौन सी टीम है। कोहली ने कहा, हमारे लिए मायने नहीं रखता कि सामने कौन सी टीम है। अगर हम अच्छा नहीं खेले तो हमें कोई भी हरा सकता है, अगर हम अच्छा खेलते हैं तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें टीम की स्किल्स पर पूरा भरोसा है। कोहली ने कहा कि हम सेमीफाइनल में अपना कौशल दिखाना चाहेंगे और टीम के रूप में अपनी ताकत भी, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खेलता है। हम अच्छा विकेट खेलना चाहते हैं और इससे नतीजा हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।